तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रेडमी के 9 पावर के बारे में। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये जल्द ही आपको इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस, मुकुल शर्मा ने इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी लीक कर बता दी है। जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हो, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव लीक दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि जो रेडमी का 9 पावर है वो इंडिया में 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। अभी ये कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर शाओमी इस प्लान को चेंज भी कर सकता है या डेट को चेंज कर सकता है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो स्मार्टफोन होगा वो 15 दिसंबर को ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको जो स्पेसिफिकेशन होगी वो पूरी की पूरी सेम देखने के लिए मिलेगी, जैसी स्पेसिफिकेशन आपको रेडमी के नोट 9 4G वाले वेरिएंट में देखने के लिए मिली थी चाइना में। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन होगा वो रीब्रांडेड होगा रेडमी के नोट 9 4G वाले वेरिएंट का, जो आपको चाइना में देखने के लिए मिला था। तो गाइस, चाइना में 3 स्मार्टफोन देखने के लिए मिले थे आपको रेडमी की तरफ से, एक रेडमी का नोट 9 4G, एक रेडमी का नोट 9 5G, एक रेडमी का नोट 9 प्रो 5G। और अभी ये स्मार्टफोन इंडिया में भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको रेडमी का नोट 9 4G वाला स्मार्टफोन मिलेगा जो इंडिया में Redmi 9 Power के नाम से लॉन्च किया जाएगा, और बाद में आपको Mi 10 आई और लास्ट में आपको Redmi का Note 9 T देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, जो Redmi का Note 9 5G वाला वेरिएंट था वो आपको इंडिया में Redmi Note 9 T के नाम से मिलेगा, और जो Redmi के Note 9 Pro 5G वाला स्मार्टफोन था वो आपको इंडिया में Mi 10 आई के नाम से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 108 MP का रियर कैमरा देखने के लिए मिला था। तो गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ Redmi 9 Power के बारे में बात करेंगे, और जो Redmi का Note 9 T और Mi 10 आई है उसके रिलेटेड मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा जब ये स्मार्टफोन की लॉन्च डेट सामने आ जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ Redmi 9 Power के बारे में ही बात करेंगे। तो गाइस, जो Redmi का 9 Power है ये चाइना में 999 yuan में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 4GB RAM 64GB वाला वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। और अगर आप चाइनीज युआन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो इसकी प्राइस आपको 11,300 देखने के लिए मिल जाएगी। बट इंडिया में ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको इतनी प्राइस के साथ नहीं मिलेगा। इंडिया में आपको जिसकी स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस होगी वो आपको 10,000 के करीब देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको 4GB RAM 64GB का वेरिएंट मिलेगा। एक आपको दूसरा वेरिएंट भी मिलेगा जिसमें आपको 4GB RAM 128GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी। और रही बात इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो स्मार्टफोन होगा 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले के साथ आएगा, जहां पर आपको एक IPS LCD पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें आपको एक वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले मिलेगी जिसमें आपको इसका फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा स्नैपड्रैगन के 662 वाले प्रोसेसर के साथ आएगा। तो गाइस, ये जो प्रोसेसर है वो आपको थोड़ा ओल्ड देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर रेडमी मीडियाटेक का कोई प्रोसेसर यूज कर लेती तो काफी अच्छी बात होती, बट यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 662 वाले प्रोसेसर के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के सपोर्ट के साथ आएगा, जिसकी मदद से आप 2 SIMs और 1 MSD कार्ड का यूज कर सकते हो। और इसमें आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलेगा, 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो गाइस, रिसेंटली एक लीक आया था कि जो रेडमी का नोट 9 4G वाला वेरिएंट है, जब ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा तो इसमें आपको 4 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे पीछे वाली साइड। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में भी आपको 4 कैमरास देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें जो आपको लास्ट वाला कैमरा होगा वो आपको 2 MP का मिलेगा जो मैक्रो सेंसर का काम करेगा। और रही बात इसके फ्रंट कैमरा की, जिसमें आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा जिससे आप काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो 6000 mAh बैटरी के साथ आएगा, जिसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, और इसमें आपको USB टाइप सी का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो एंड्रॉइड 10 पर रन करेगा, जिसमें आपको MIUI 12 का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो कनेक्टिविटी के फीचर्स है वो आपको इसमें सभी देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो सभी काम के सेंसर्स है वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो साइड माउंटेड देखने के लिए मिलेगा, पीछे वाली साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। तो गाइस, कुल मिलाकर जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अब देखने लायक ये होगा कि जिसकी जो प्राइस है वो इंडिया में क्या होती है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो इसकी प्राइस होगी वो आपको 10,000 रुपये देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें आपको 4GB RAM 64GB का वेरिएंट मिलेगा, और जो हायर वेरिएंट होगा उसकी प्राइस आपको 12,000 रुपये देखने के लिए मिल सकती है। तो देखते हैं कि इंडिया में ये कितनी प्राइस के साथ लॉन्च होता है, ये तो हमें 15 दिसंबर को पता लग जाएगा जब ये स्मार्टफोन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप हमारे अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।